What is love bite and hickey? Usually जब हम बात करते हैं एक अच्छे sexual performance की तो love bite को हम बहुत ज़्यादा consider करते हैं। अभी हमने recently सुना कि Jacqueline Fernandez ने खुद से अपनी love bite को flaunt किया और ये prove किया कि वो एक relationship में है। बहुत सी और Bollywood actress हैं जिनकी hickeys या love bite neck के आसपास वाले areas में पकड़ी जाती हैं और हमें समझ में आता है that will sound a very passionate सेक्स, बट वॉट इज हिकी, वॉट इज लव बाइट, क्या ये डेंजरस होती है, ये हो जाए तो क्या इस पर घाव हो जाता है, क्या इससे किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और क्या सब लोगों को हिकीज और लव बाइट पसंद होती है, इन्हें कहाँ कहाँ कर सकते हैं ताकि ये प्लेजर्स दें, सबके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, पिछले बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि आपके जो ये सवाल हैं आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड इसे क्लियर कर पाऊँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, मुझे पता है आप देखेंगे। क्या करें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को अगर आप नए हैं, साथ साथ लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम बात कर रहे थे हिकीज या लव बाइट की। लव बाइट के नाम पे जैसे ही मैं आपको बोलूँ कि समबडी हैज़ अ लव बाइट या हिकीज अगर हम इन्हें बोलते हैं तो यू विल बी सो अमेज्ड, आपको एकदम से इमेजिनेशन आ जाता है कि कितना पैशनेट परफॉर्मेंस होगा या इन दोनों के बीच में कितनी परफॉर्मेंस या कितना प्यार या कितनी इंटिमेसी होगी। हिकीज एक लेट्स से एक तरीका है अपना लव एक्सप्रेस करने का। यूजली लोग इसे नेक के लेफ्ट या राइट साइड करते हैं या फिर अंडर आर्म्स में देना पसंद करते हैं, कई लोग चीक्स पे देते हैं या फिर यूजली निपल्स के आसपास हो सकता है या फिर आपके स्टमक के आसपास, आपकी कमर की किसी जगह पे, थाइस पे, कहीं भी हो सकता है। यूजली ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ लड़कियां ही पसंद करती हैं, लड़के भी पसंद करते हैं कि उनकी चेस्ट पे लव बाइट्स दिए जाएं या उनके स्टमक पे, उनके एब्स पे, उनके शोल्डर्स पे लव बाइट्स दिए जाएं, ईयर लोब्स पे लोग बहुत देते हैं, वहाँ पे भी पसंद किया जाता है। और हिकी है क्या, ये जब आप रेगुलरली सक करते हैं किसी पर्टिकुलर स्किन एरिया को आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव, तो वहाँ पे लाल रंग का छोटा सा निशान पड़ जाता है जिसे हम लव बाइट कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये कंसिडर करते हैं कि क्या लव बाइट्स डेंजरस होती हैं? नॉट एट ऑल, और ये अपने आप भर जाती हैं। कई लोगों को एक से दो दिन लगते हैं, कई लोगों को हफ्ता लग जाता है, धीरे धीरे जैसे ही आपका ब्लड फ्लो फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगा वो हिकीज धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं। कई लोग हिकीज को मेकअप से, मॉइस्चराइजर से या फिर फाउंडेशन से छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को ना पता चले, या दुपट्टा कर लेते हैं, मफलर्स कर लेते हैं। सो हिकीज मीन्स अ वेरी गुड साइन ऑफ लव मेकिंग, और फोर प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिकीज, दैट इज योर लव बाइट्स। अब क्वेश्चन है कि कई लोगों को क्यों ये पसंद नहीं आता, ये डिपेंड करता है। कई लोगों को लव बाइट्स बहुत पैशनेट लगते हैं और वो काफ़ी देर तक सक करते रहते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा अपने टीथ का प्रयोग ना करें जब आप सकिंग कर रहे हैं या लव बाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मांगे अपने पार्टनर से कि मुझे ये पसंद है, क्या आप ये करेंगे, आई लाइक इट। ऑल्दो अगर आपको ये नहीं पसंद आती है या आपके लिए पेनफुल है, आपको लगता है कि मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर या मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड बार बार करती है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली अगर जेनाइटल एरिया के आसपास हो रही है या फीमेल वजाइना के आसपास हो रही है, देन देर इज़ अ क्लियर कंसेंट ऑफ नो। आप मना कर सकते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है। हिकीज एंड लव बाइट आर द वे टू एक्सप्रेस योर लव, जैसे कि आपके नॉर्मल और तरीके हैं, फिंगर्स के साथ टच करना है या नेल मार्क्स है। सो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका पार्टनर इसे नहीं करता है या आपको मना करता है तो आपको वहीं पे स्टॉप होने की ज़रूरत है। और अगर आप इसे इंजॉय करते हैं तो इट्स ऑल इन योर हैंड, गो फॉर इट, इंजॉय विद योर पार्टनर, बिकॉज फोर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। एनी डाउट्स, एनी थिंग यू फील दैट डॉक्टर नेहा शुड टॉक अबाउट, आप इन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं बहुत जल्दी उन पर और वीडियोज लेकर आती रहूँ। ये भी आपका ही सजेस्टेड टॉपिक है। इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और मेरा नया साइकोलॉजी चैनल, तो कि आप दिमाग से स्ट्रांग हो जाएं अभी जाएं और उसे सब्सक्राइब करें। बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब दिस चैनल।